अरे बहुत बड़ी चीज मिल गई इंडियन गौर, लो बैग आगे में स्पॉटेड डियर खड़ा है। अब 35,000 की पॉपुलेशन बोले तो बहुत ज्यादा है, टाइगर की मार्किंग है बोलते। देखो यार भाई, अभी हम आ गए और आगे में रास्ते में निकल रहे, यही बहुत जरूरी है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कड़म। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसा क्या करेंगे, अभी क्या नहीं करेंगे। रास्ता देखो बहुत ही प्यारा है यार, बस अपने को टाइगर मांगता है, बाकी क्या इतना टेंशन नहीं है। टाइगर मिल गया ना एक बार तो फिर क्या बढ़िया मजा आएगा। स्पॉटेड डियर भी देखे, दिल खुश हो गया स्पॉटेड डियर का देख के भी। अभी अदर देखते हैं अभी क्या क्या दिखा पाते हैं तो आप लोगों को, बहुत मज़ा आने को ना, बाकी कुछ नहीं यार, बस मज़ा मांगता अपने को। कैंटर बड़ी उछल रही है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत उछल रही है कैंटर। कैंटर का माहौल ही अलग है, साइड वाइड का देखो एकदम ही गजब, बहुत ही जबरदस्त है। आगे में स्पॉटेड डियर खड़ा है। अब 35,000 की पॉपुलेशन बोले तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखो देखो एक ही है, एक ही स्पॉटेड डियर है ना। देखो यार आपके ड्राइविंग स्किल देखो अपने साहब की, बहुत खतरनाक है, हर चीज़ पता चलने को ना। ड्राइविंग स्किल बहुत परफेक्ट है अपने साहब की। अभी यहाँ से कहाँ से टर्न लेंगे पता नहीं, सीधा जाएंगे कि कहाँ पे टर्न लेंगे, सीधा ही लेके जा रहे। देखो देखो यार जंगल के रोडों के मजे देखो, टर्माइट का बहुत सारे है ना, बहुत सारे तो आगे में भी दिख रहा है, टर्माइट होना यहाँ का फॉरेस्ट बहुत हेल्थी कहलाता है, टर्माइट है तो फॉरेस्ट बहुत हेल्थी है। जो टाइगर का स्पॉट है पानी वानी पीने का, हाँ वो जाएंगे ना वहाँ पे, जाएंगे जाएंगे, बहुत जरूरी है ना। अभी वाटर होलों को ज़्यादा चेक करेंगे, इस समय थोड़ा गर्मी है तो उसमें जानवर आने के चांस रहता है। ठीक है, देखो भाई रोड कितना लंबा लंबा है, जबरदस्त दिख रहा है यार रोड, सीरियसली बहुत ही कड़क। टेंटर में बैठने के बाद में डचके तो लगते हैं यार, अभी क्या करेंगे, अभी करना तो पड़ेगा ही ना, अभी सब कुछ करना है अपने को, देखते जाओ अभी आगे का सिचुएशन क्या रहेगी, है ना। मज़ा आ जाएगा आज के सफारी में, बहुत ज़्यादा मज़ा आने को मंगता अपने को, बाकी कुछ नहीं, देखते जाओ आप अभी क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है। तो रास्ते बहुत लंबे लंबे भाई, पर मानना पड़ेगा टाइगर दिख जाए यार। अभी बजे आफ्टरनून के 4:28, तो एटलीस्ट टाइगर तो मंगता ही है, अभी बहुत हो गया, स्टार्टिंग में मिल गया ना तो मज़ा आ जाता है। रोड भी मस्त है एकदम ना, ज़बरदस्त रोड है, बहुत ही एक्सीलेंट है यार ड्राइविंग स्किल अपने ड्राइवर साहब की। बट पर कैसा है अभी तक के तो सिर्फ स्पॉटेड डियर दिखा, पर इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है, देखते हैं अभी क्या दिखता है तो समझ में आएगा धीरे धीरे। बहुत ही मज़ा आ रहा है हर चीज। बैम्बू का फॉरेस्ट है पूरा। बैम्बू तो टाइगर को बहुत ज्यादा पसंद है ना, नहीं रहने के लिए पसंद नहीं, मतलब उस पे नीचे रहने के लिए पसंद। हाँ वही तो, इसके नीचे में सोने के लिए उसको मजा आता है, वही तो। और का भोजन है बैम्बू। ओके, क्या रास्ते है यार, बहुत डिफरेंट रास्ते है सीरियसली, हर चीज दिखा रहे आपको, हर कुछ, कान्हा नेशनल पार्क की रोड पूरे दिखा रहे। टाइगर ने दिखा तो मुझे नहीं पता, पर पूरे रोड और जंगल देखना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको समझेगा कि एक्चुअल कैसा क्या मांझ रहा है, अंदर में कैसी कैसी रोड है जो पब्लिक आ नहीं सकती यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए। तो यार मेरे माध्यम से आप देखो वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो या सब्सक्राइब भी करो, सब आपके हाथ में है यार, अभी क्या करने वाले, सपोर्ट करोगे तो ही आगे बढ़ पाएगा आदमी, बहुत ज़रूरी है। देखो भाई ब्रिज कैसी बना है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से, घूमने का काम भी बड़ा खतरनाक है, मस्त काम, एकदम मजबूत वाला काम है मैंने।
ये देखो ब्रिज देखो, लकड़ी से बना हुआ है, ये लकड़ी से बना हुआ ब्रिज है। हाँ, ये लकड़ी का ब्रिज है भाई, लकड़ी का ब्रिज है, मामूली बात नहीं है। यानी कि ये कितना सारे सीमेंटेड करने लगे, पहले पूरा लकड़ी का ब्रिज हुआ करता था यहाँ पे पहले, अब धीरे धीरे सीमेंटेड वाले कर रहे हैं। भाई पहले तो लकड़ी वाले ब्रिज थे बोलते, अभी तो थोड़ा सीमेंट के बन रहे हैं। पेड़ के पास रोक देना, टाइगर की स्पीड मारेंगे, टाइगर की पीछे पीछे गया ना, पीछे टेरिटोरी के लिए ना। ओके, टाइगर की मार्किंग है बोलते, स्क्रैच मार्किंग। ये देखो टाइगर की स्क्रैच मार्किंग है, नाखून के निशान है भाई, मामूली बात नहीं है। ये दिखा दी हमारे साहब ने, बहुत बड़ी बात है दिखाना बोले तो, लेकिन बहुत ही खतरनाक है यार, मानना पड़ेगा। तो चलो साहब बढ़ते आगे, हमारे लिए पीछे में गाड़ी लिया ना, बहुत बड़ी बात है यार, थैंक यू सो मच। क्योंकि तभी तो पता चलेगा हर चीज़ की, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, एटलीस्ट बता रहे हैं हमारे गाइड साहब को, शुक्रिया निखिल द टाइगर की तरफ से। बढ़ते जाएंगे अभी आगे में, और आगे बढ़ने में अलग ही मजा है यार। देखो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो आगे में मिल रहा है। और ये इसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे पहला है, 917 स्क्वायर किलोमीटर इसका कोर एरिया है, टोटल 2000 स्क्वायर का कोर और बफर मिला के। जबरदस्त, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जंगल है यार। ये पार्क बोले तो बताए उन्होंने पूरे डिटेल कितना स्क्वायर फीट में। इसके लिए 20% ही खुला है, 80% बंद है यहाँ। आड़ी मुड़ी वाला रोड है ना, रोड बड़ा डिफिकल्ट है यार। जी जी, बहुत ही खतरनाक, और इतना मजा आ रहा है ना भाई, आगे में बैठ के जो सफारी कर रहे हैं ना, मेरा लाइफ टाइम में मजा रहने वाला, मेरी जिंदगी का अलग ही कुछ लग रहा था। कितना डिफिकल्ट रोड है, तभी भी देखो हमारे साहब कितने जबरदस्त ड्राइविंग स्किल है इनकी, बहुत जबरदस्त। और धूप टेम्परेचर बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है आज, 43-44 के अबाव टेम्परेचर है आज, एग्जैक्टली नहीं पता पर मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और ये क्या है सर? ये पेट्रोलिंग कैंप है, और ये वाटर होल बना है, साथ साथ पानी होल है जी हाँ, गर्मी में पानी डाल देते हैं, एनिमल्स आते हैं। ये पेट्रोलिंग कैंप है, पूरा का पूरा पेट्रोलिंग कैंप है। देखो पेट्रोलिंग कैंप है ये इनका, फॉरेस्ट वाले का। इसमें दो रहते हैं, दो लोग, दो गाड़ी संभाल लेते पूरा, यानी कि कंट्रोल रूम में सब मैसेज उनके पास वॉकी टॉकी होता है। ठीक है ना, वॉकी टॉकी भी है। इधर से देखो ये जिप्सी वाले रिटर्न आ रहे हैं, कहाँ जा रहे इतने फास्ट, पता नहीं इतने फास्ट कहाँ पे जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में क्या बोल रहे, क्या बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोले। चलो फिर बढ़ा जाए आगे, देखते हैं अभी टाइगर साहब कहाँ सोए। टाइगर साहब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगा 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 मिलेगा, कोशिश कर रहा हूँ। टाइगर मांगता है, देखो देखो भाई टर्माइक, हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जो आपको दिखा सकता हूँ मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मेरे माध्यम से। धूप डायरेक्ट निकल आँखों में चमक रही है ना, ये देखो थोड़ा सा अभी चढ़ाव है, चढ़ाव में अभी इनके स्किल देखो, वाह क्या बात है, मजा ही कुछ आ गया भाई साहब, स्वाद आ गया चढ़ाई में। छोटे से जंगल में छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है, पर कुछ भी बोलो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आगे में लंगूर साहब खड़े हैं, बैठे हैं लंगूर साहब, पूरे के पूरे अंदर भग गए दो तीन, तो एक बैठा हुआ है बिंदास, टेंशन फ्री फेयरलेस। देखो देखो रास्ते में बैठा हुआ, नहीं हटूंगा बोलते, अब भी हटा, देखो देखो कितना जबरदस्त ना, क्या भगा हुआ अंदर, डायरेक्टली अंदर भगा। वाह देखो यार भाई मज़ा ही आ गया, देखते चलो बस। ये देखो ये लकड़ी का पुल बना हुआ है, देखो कितना डिफिकल्ट, कोई टेंशन नहीं है,
बिंदास वाला हिसाब है। अरे बाप रे, बहुत बड़ी चीज मिल गई इंडियन गोर। लो बैक, लो बैक, लो बैक, लो बैक, लो। ये देखो इंडियन गोर, पास से देखो यार कितना ह्यूज। बस 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 भाई साहब, लो ना हाथ से, लो ना जान दो इसे, थोड़ा ऐसे करो, ऐसे करो थोड़ा भाई साहब। बस बस लो, बताओ एक मिनट। ह्यूज है, बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज है भाई साहब, मानना पड़ेगा। वो जा रहा है आ गया ना भाई, मेल है, मेल है, ये मेल है, देखो इधर से आ रहा है अभी भाई। बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही ह्यूज है, कितने जोर से चिल्लाते यार, बहुत ही ज्यादा ह्यूज था ये, एकदम पास से देखने के लिए मिल गया ये आज। चलो बड़ा जय आ गया भी। लगभग इसका वजन होता है 1000 kg। इनका वेट ना जी बहुत ज्यादा रहता है इनका वेट। और यहाँ पे कितनी इसकी क्वांटिटी कितना है, इनका संख्या अभी 1400-1500 के लगभग, 1400-1500 की संख्या है। बहुत ज्यादा है ना, बहुत अच्छी बात है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली यार भाई साहब, रियली बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहे हमारे गाइड साहब यार, मजा आ रहा है, बहुत डिटेल्स बता रहे और बहुत हंसमुख है, कोई टेंशन नहीं है, सही तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो कोई कोई गाइड लोग रहते हैं यार सही तरीके से आंसर नहीं देते, पर हमारे गाइड साहब बहुत जबरदस्त आंसर दे रहे हैं हर चीज़ का, यानी कि हर चीज़ बता रहे, जो जो उनको समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी वो बता रहे। बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ में सफारी करके, क्या ही बताऊँ मैं अभी। गौर को भी, बाइसन को भी 2 दिन पहले दूसरे जगह शिफ्ट किए हैं यहाँ से ले जाके, कुछ दिन पहले बांधोगढ़ ले गए थे और अभी 2 दिन पहले जो संजय बोर्ड लकड़ का पार्क है वहाँ पे ले गए हैं। फायर लाइन है जी, फायर लाइन है।